जिन पांच जजों की बेंच ने राम जन्मभूमि मामले में फैसला दिया था उनमें से एक रंजन गोगोई फिलहाल राज्यसभा के सांसद हैं। अशोक भूषण नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन हैं। एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। ऐसे बोबड़े फैसले के दो हफ्तों के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। डीवाई चंद्रचूड़ फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। भगवान की सुनकर फैसला करने पर प्रसाद तो सबको मिला। सिद्धार्थ वरदराजन ने लिखा है, उस समय जो व्यक्ति सीजेआई थे रंजन गोगोई, उन्हें भगवान ने राज्यसभा में भेजा। पीठ के दो उप न्यायाधीशों को उचित समय पर सीजेआई के पद पर पदोन्नत किया और शेष दो न्यायाधीशों में से भगवान ने यह सुनिश्चित किया कि एक सेवानिवृत्ति के बाद गवर्नर बन जाए जबकि दूसरा नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का प्रमुख बन जाए। ये भगवान कौन है जिनके आशीर्वाद से इतने बड़े बड़े पद मिलते हैं। गजब माहौल है। देश के प्रधानमंत्री खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताते हैं, उनकी पार्टी के लोग उन्हें देवतुल्य बताते हैं, उनके समर्थक उनके नाम की मंदिरें बनाते हैं और देश के वर्तमान सीजेआई कहते हैं कि देश के सबसे संवेदनशील धार्मिक मामले में फैसला लेने से पहले वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये देश अब भी संविधान से ही चल रहा है ना।